चलो गाइस कैमरा को बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गया है। बाइक सर्विसिंग करता है तो अराउंड कितना खर्च होता है? नॉले ये है कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट, ये है ओरिजिनल साउंड हार्ले डेविडसन का। सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हल्का हल्का बारिश गिर रहा है और मैं ऐसे फंस चुका हूँ और ऐसी एक जगह पे मैं खड़ा हूँ और टी शर्ट का हालत देख सकते हो, हाथ में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो क्या हाल हो चुका है। Few minutes later. यार हम आ चुके हैं NH2 हाईवे पे और जैसे ही हम यहाँ पे आए तुरंत चालू, क्या चालू आपको पता है, बारिश। लेंस में पानी गिर रहा है तो गाइस उसके लिए एडवांसली सॉरी। अरे यार बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गया यार, आज का दिन पूरा ख़राब है। जाने के टाइम पे जिधर भी जा रहा हूँ उधर ही पानी और पानी। चलो गाइस कैमरा को बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गया है और रुकना पड़ेगा मुझे। उठाए दारा वो little longer than a few minutes late. क्या हो रहा है ना, एक जगह पे बारिश हो रहा है एक जगह पे ना हो रहा है, एक जगह पे धूप एक जगह पे बारिश, एक जगह पे धूप एक जगह पे बारिश, ऐसा हो रहा है यार वेदर। और मतलब बार बार हॉल्ट करके एक एक जगह पे रुक रुक के जाना पड़ रहा है यार। इसीलिए ना गाइस मैं कभी भी फोर व्हीलर लेने का सोचता भी नहीं हूँ यार। देखो जैम में ये दो पहिया निकल जा रहा है और फोर पहिया देखो यहाँ पे यार जैम में फंसे हुए रहते हैं हमेशा। यही बेनिफिट है टू व्हीलर का। बाप रे बाप जगह को देखो यार, पूरा तालाब हो चुका है यहाँ पे। तो भैया जैसे देख सकते हो हम आ चुके हैं आदिल भैया के गैरेज पे। एक साइड पे बोसा, दूसरे साइड पे ट्रम्प डेटोना देख के अपना धड़कन बहुत तेज हो रहा है भाई लोग, बोले तो धुक-धुक कर रहा है। सो गाइस दिस इज आदिल भैया। सो भैया वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भैया भैया आज कौन कौन सा बाइक है? आज ये हार्ले का सर्विस हो रहा है। अच्छा 900 है। अच्छा है। अच्छा और ये आपका डुकाटी है। डुकाटी ओके। सो भैया मतलब आज कौन सा बाइक का सर्विसिंग होने वाला है? ये चारों का हो रहा है लेकिन क्या है ना चार गाड़ी आया है आज। तो ये कंप्लीट होगा तो फिर ये चढ़ेगा रेंट पे 900। अच्छा जो सब्सक्राइबर लोग हैं उनका बहुत सारा डिमांड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है सुपर बाइक को लेके। सो भैया पहला सवाल ये है कि सुपर बाइक सर्विसिंग करता है तो अराउंड कितना खर्च होता है एक बेसिक सर्विसिंग में? सुपर बाइक पे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है नहीं, कस्टमर डर जाता है इतना दामी बाइक है तो साला इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा और 5000 एक सुपर बाइक को चलाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ये नॉर्मल बाइक जैसा है नहीं आप 5000 चला लोगे। ओके लोकल राइडिंग ये सब करता नहीं है, लॉन्ग राइड में ही होता है। ओके 5000 पर एक सर्विस मांगता है। ओके 6 से 7000 रुपया खर्च होता है।
तो भैया एक और सवाल, मतलब सुपर बाइक का जो टायर होता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आई होप सो। सो एक टायर कितना किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है? अच्छा, और एक नया टायर भैया कितना कितने में आता है एक सुपर बाइक का? जैसे अभी पिरिली का हो गया, अगर आप 900 का लीजिएगा पिरिली का पड़ जाएगा प्राइस 35,000 या फिर 32,000। सो ये है एयर फिल्टर, राइट भाई? हाँ, ये एयर फिल्टर है। और कभी भी लगाना है ना, ऐसे ऑयल लेके लगाना है कोई भी गाड़ी का। अच्छा, और गाइज अभी हो रहा है हार्ले डेविडसन का ये वाला बाइक, इसका सर्विसिंग हो रहा है अभी। ये कौन सा वाला इंजन ऑयल है? ये है कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट। ये 4 लग जाता है, राइट? हाँ, ये कितने का है, मतलब 700? अच्छा 700, हाँ 750। भैया ये हार्ले डेविडसन का कौन सा वाला मॉडल है? A750। ये है ओरिजिनल साउंड हार्ले डेविडसन का। One eternity later. यार आसमान का हालत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अभी बारिश शुरू हुआ ना तो मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी घर जाना है, उसके बाद नाइट ड्यूटी है वो भी करना है। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से अभी कट लूँ, अभी अपना सुपर बाइक लेके जॉय भाई से मिलना है अभी। जॉयदा आचे बाइक कोता रखबो। दुकान के सामने पहुँचते ही द रेड ब्यूटी, वाव, अलग ही फील है यार यहाँ पे आने का। So guys, मैं जॉयस बाइक पॉइंट से निकल चुका हूँ। काफ़ी वक्त बीत गया, पता नहीं चला शाम हो चुका है, और अभी देखो 5 बज चुका है अभी। जिन लोगों को मैं हमेशा बस YouTube पे ही आज तक देखा हूँ, उन लोगों के साथ डायरेक्टली बात करने का मौका मिल रहा है, आमने सामने होने का मौका मिल रहा है, ये अच्छा है मेरे लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यार, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरा शार्प टर्न है यार, खतरनाक वाला टर्न है यार। साढ़े छः बज चुका है यार, मतलब इतना ऑसम लग रहा है यार। आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे पता नहीं, लेकिन वहाँ पे दिखाई दे रहा है दक्षिणेश्वर मंदिर, अच्छे से देख सकते हो गाइस। लुक एट द लेफ्ट साइड, आपको दिख रहा है एक मंदिर, और यही है दक्षिणेश्वर मंदिर। मैं लगभग अपने घर के पास पहुंच चुका हूं। ज़रूर से बताना आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।